अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें और सबको उनके अपनों के साथ सलामत रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग का स्टार्ट जो है दुआ के साथ, और जो है मेरा फेवरेट जो काम है ओट चलाने का, उससे करते हैं। और ये जो है मैं आते टाइम जो है ये भी लेकर आई थी, तो सोचा कि मैं जो है ना आज ओट भी जला लूँ। और साथ ही आज किचन में बन रहे हैं सारे देसी खाने, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि आज हमने क्या क्या बनाना है अपने देसी लंच में। तो बन रहे हैं कड़ी पकोड़े, और मेरी सिस्टर रेडी कर रही थी, और साथ में किचन में मैं भी आ गई थोड़ा सा मैं भी हेल्प करने के लिए। और आज लंच में बन रहा है कड़ी पकोड़ा। और ये देसी डिशेस जितनी भी हैं ना, उसमें से कड़ी पकोड़ा एक ऐसी डिश है जो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। कड़ी तो हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी रेडी, और साथ आज बनेगी मकई की रोटी। मकई की रोटी भी जो है वो बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो सिस्टर बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं भी ट्राई करूं, क्योंकि मैंने कभी भी जो है ये मकई की रोटी नहीं बनाई। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं भी ट्राई करूं, मैं भी बनाती हूँ कि कैसी बनती है। तो आपको जो है इस वीडियो में बहुत से ट्रिक्स, टिप और ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को बनानी नहीं आती, या फर्स्ट टाइम बनाते हैं, या जो चाहते हैं कि हम फर्स्ट टाइम बनाएं और हमारी जो रोटी है बिल्कुल परफेक्ट बने, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि मैं जो वो बनाती रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे बनाते हैं, क्योंकि अम्मी बनाती हैं वो तो ऐसे ही बनाया करते थे। तो अब जो है सिस्टर बनाती है, तो सिस्टर ने मुझे बताया कि हम ऐसे शीट के अंदर करके, तो बहुत अच्छी और प्यारी सी ये जब मैंने रोटी बनाई है, तो मुझे जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था जी, कि आज मैंने भी मकई की रोटी बना ली। मकई की रोटी जो है ये कश्मीर में बहुत खाई जाती है। हमारे घर में तो इतना नहीं बनती, लेकिन कभी कभार जो है वो बनाई जाती है ये मकई की रोटी। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं मकई की रोटी को जो है ना सुबह नाश्ता में भी ये इस्तेमाल करते हैं। फाइनली फर्स्ट टाइम मैंने मकई की रोटी बनाई, और बहुत अच्छी बनी। और मुझे ज़्यादा तो अच्छा इसलिए लग रहा था कि वो बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल राउंड शेप में बनी है, और वो टूटी भी नहीं। बहुत अच्छी सी ये जो है ना परफेक्ट रोटी रेडी हो गई मेरी। लंच हो गया रेडी, और सब बैठ के थे लंच करने के लिए। और साथ में सारा आज लंच देसी लंच था, और ये जो अचार था ये भी घर का बना हुआ अचार था, अम्मी ने बनाया। और ये था आज का व्लॉग, और फुल जो है देसी माहौल वाला लंच हो रहा था। फैमिली के साथ हमने बहुत इंजॉय किया।
आई होप आपको वो ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप ज़रूर किया करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।